नमस्कार, जय गोमाता। मैं हूं संजीव दास और आप देख रहे हैं विश्व गोमाता सुरक्षा की यूट्यूब चैनल और फेसबुक में भी देख रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारी भारत में जो जितना ब्रीड है, कम से कम बहुत ब्रीड था लेकिन अभी सिर्फ 40 बचा है। तो अब उसी के अंदर से मैं आपको अभी 39 काओ ब्रीड, हमारी देसी गोमाता की ब्रीड दिखाऊँगा। तो गोमाता बहुत है लेकिन हमारे देश में जो NDDB वहाँ पे रजिस्टर्ड गोमाता सिर्फ 39 है। तो आइए शुरू करते हैं कौन सा नाम पहले आता है। तो ABCD, ऐसे मैं आपको ए से जितना शुरू है पहले से शुरू करूँगा। तो आइए देखिए इंडिया का कैटल ब्रीड, मतलब गोमाता की कितना ब्रीड है देसी क्वालिटी का। तो देखिए पहला ब्रीड है अमृत महल, जो या 1 नंबर पर दिखा रहा है। ये अमृत महल कहाँ का ब्रीड है? ये कर्नाटक का ब्रीड है। तो 2 नंबर पे आते हैं, वहाँ पे दिखा है बाछूर, तो वो बिहार का ब्रीड है। और 3 नंबर है बारगूर, ये तमिलनाडु का ब्रीड है। और 4 नंबर पे आता है डंगी, ये महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश का ब्रीड है। और 5 नंबर पे आता है देवनी आता है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो 6 नंबर पे आता है गोलाव, ये जो काऊ ब्रीड है ये महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश का ब्रीड है। और 7 नंबर पे जो आता है वर्ल्ड में फेमस करने वाला जो ब्रीड है वो है गिर, ये स्पेशल गुजरात का ब्रीड है। ये बहुत बड़ा ब्रीड है, अभी सोचते हैं इंडिया का क्रांति है, ये भारत का क्रांति है, क्योंकि ये ज़्यादा दूध देने वाला की क्षमता रखता है। तो 8 नंबर पर आता है हालीकर, ये ब्रीड है कर्नाटक का। और 9 नंबर पे आता है हरीना, ये आता है हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। और 10 नंबर पे आता है कांग्याम, ये तमिलनाडु का ब्रीड है। और 11 नंबर का आता है कांक्रेज, ये कांक्रेज का जो ब्रीड होता है गुजरात एंड राजस्थान। और अभी जो ये होता है ना, हरियाणा में भी मिलते हैं। तो 12 नंबर का ये जो 11 नंबर का जो कांकरेज, ये बहुत स्वामी भक्त गाय माता है, ये अपनी मालिक को बचाने के लिए खुद का जान भी दे सकता है। तो 12 नंबर का आता है केनकटा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश का ये ब्रीड है। तो 13 नंबर का खरीघर, ये उत्तर प्रदेश का ब्रीड है। और 14 नंबर का जो ब्रीड है खिल्लार, ये महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का ब्रीड है। तो 15 नंबर का ब्रीड आता है कृष्णा बिल्ला, ये कर्नाटक का ब्रीड है। और ये 16 नंबर का आता है मालवी, ये जो मालवी ब्रीड है ये मध्य प्रदेश का ब्रीड है। और 17 नंबर का आता है मेवाती, ये राजस्थान, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश का ब्रीड है। और 18 नंबर का जो ब्रीड आता है ये होता है नागौरी, ये नागौरी स्पेसिफिक राजस्थान का ब्रीड है। और 19 नंबर का जो ब्रीड है ये निवारी होता है मध्य प्रदेश का ब्रीड। और 20 नंबर का आता है ओनगोल होता है, ये मध्य प्रदेश का ब्रीड होता है। ये बहुत मजबूत बैल होता है, गाय माता भी मजबूत होता है। तो 21 नंबर पर आता है पनवार, ये उत्तर प्रदेश का ब्रीड है। और 22 नंबर का ब्रीड जो है कुंगनूर, ये आंध्र प्रदेश का ब्रीड होता है। ये सबसे छोटा ब्रीड होता है, ये सबसे छोटा हमारे भारत का सबसे छोटा ब्रीड होता है और बहुत स्ट्रांग भी होता है। तो 23 नंबर का होता है राठी, ये राजस्थान का रानी है। ये राजस्थान का रानी इसीलिए है, ये कम खाना पीना खाकर भी अच्छा दूध देता है और ये राजस्थान का स्पेशल ब्रीड है। तो 24 नंबर का है रेड कांधारी, जिसको बोला जाता है रेड सिंधी, ये महाराष्ट्र का ब्रीड। रेड कांधारी होता है महाराष्ट्र का ब्रीड होता है। और 25 नंबर में आता है रेड सिंधी, ये ऑन ऑर्गेनिक फार्म्स ओनली, ये अभी गवर्नमेंट ओरिजिनल में गवर्नमेंट रिकॉर्ड से महाराष्ट्र शायद यूपी मध्य प्रदेश यूपी में है। तो 26 में आता है साहिवाल, ये पंजाब एंड राजस्थान का ब्रीड है।
अभी आपने देखा होगा जो हमारी कामधेनु गौशाला है पंजाब नूर महल में, वो स्पेशल ज़्यादा बड़ी कम से कम 600 से 700 गाय का काम कर रहे हैं, साहिवाल ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो 27 नंबर का आता है सिरी, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल का ये ब्रीड है। तो 28 में आता है थारपारकर राजस्थान। देखिए थारपारकर का नामकरण ऐसे हुआ है, ये थार रूपक मरुभूमि को एक बार की खाना चारा खाकर ये दूसरी तरफ चला जाता है, जो थार का मरुभूमि है, इसीलिए उसका नामकरण है थारपारकर। तो 29 में आता है ओमलचेरी, ओमलचेरी ये तमिलनाडु का ब्रीड है। तो 30 है भाचूर, ये केरला है, केरला का ब्रीड है। और 31 पे आता है मोटू, ये मोटू जो ब्रीड होता है ओडिशा में है, बॉर्डर लाइन में छत्तीसगढ़ है एंड आंध्र प्रदेश में भी है। ये बहुत छोटा ब्रीड है और उसका दूध बहुत ताकतवर होता है। और 33 का होता है घुमसुरी, ये ओडिशा का स्पेशल ब्रीड है, ये बहुत अच्छा ब्रीड है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जितना दूध कम देगा जो गौ माता उसका पावर उतना ज़्यादा रहेगा। तो उसमें आता है 33 में आता है बिंझारपुरी, ये बिंझारपुरी भी ओडिशा का जो सफ़ेद कलर का जो गाय होता है वही होता है। 34 का आता है खरीरा, ये खरीरा भी ओडिशा का ब्रीड है। और 35 में आता है पुलिकुलम, ये तमिलनाडु का ब्रीड है। और 36 कोसाली, ये कोसाली छत्तीसगढ़ का ब्रीड है। और जो 37 में आता है मालदा गिड्डा, ये कर्नाटक का ब्रीड है। और 38 का जो है नंबर ये बेलुच, हरियाणा एंड छत्तीसगढ़ का है। और 39 पे जो होता है ये है गंगोत्री, ये उत्तर प्रदेश एंड बिहार का ब्रीड है। तो आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट का तो रजिस्ट्रेशन 40 है लेकिन अभी 39 क्यों है? देखिए 39 इसीलिए है कि एक ब्रीड शायद रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है लेकिन बोला जाता है जिसका नाम, तो इसीलिए 40 रखा होगा। लेकिन वैसे रिकॉर्ड जो दिखा रहा है 39 दिखा रहा है। तो आपको ये ओडिशा का जितना ब्रीड है आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा। तो ये भारत का ओरिजिन सब ब्रीड है, जैसे बोला जाता है रामायण हो, श्री कृष्ण हो, ये वही युग से हमारी मुनि ऋषि जो सागर मंथन के समय जो गोमाता पैदा हुई थी उसी टाइम से ये सब ब्रीड आते जाए। तो गाय पालना है तो हमेशा देसी गाय पालना है, तो आप ये देसी गाय को पालिए और अपनी को हर बीमारी से दूर भगाइए। तो यहाँ से हम विदा लेते हैं, नमस्कार, जय ममता, जय जगन्नाथ। तो जिस भाई ये चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारी जो सोशल नेटवर्क साइट है डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल नेटवर्क मिल जाएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं, जय गौ माता, जय जगन्नाथ।